नमस्कार दोस्तों, मैं राजलक्ष्मी डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर स्वप्निल तपासे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट कैनल प्रोसीजर होने के बाद हम कैप आखिर क्यों लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब पेशेंट हमारे पास आता है बोलता है कि हमने तो रूट कैनल करवा लिया, अब हमें दर्द नहीं हो रहा डॉक्टर, फिर कैप क्यों लगाना, इसका तो कुछ बताओ। तो पेशेंट को हम यही बताना चाहते हैं, जब भी हम दांत को दोस्तों रूट कैनल करते हैं तो उस दांत की नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होती है वो थोड़ा कम हो जाती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर खत्म हो जाते है। अगर आपके दांत का नॉर्मल स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो वो खाना खाने में जैसे पहले था वैसा नहीं होता। मान के चलिए अगर आपके दांत का नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिससे आपके आगे दांत पीछे वाला दांत ठीक है, अगर आपके ऊपर का दांत नीचे के दांत पे अच्छे से मिल रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तभी आप उस दांत से अच्छे से खाना खा सकोगे। अगर आपके दोनों दांत के बीच में गैप है तो उधर खाना फंसेगा, अगर ऊपर का दांत और नीचे का दांत ऐसा गैप है तो दांत वहां पे होके भी फायदा नहीं। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल एनाटॉमी है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। कैप क्यों लगाना, दूसरा एक रीजन है, अगर आप कैप नहीं लगा रहे और आप कुछ भी कड़क खाओगे और दांत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो दांत ऊपर से फ्रैक्चर होगा, वर्टिकल फ्रैक्चर बोलते हैं हम उसे, तो इतना बेकार फ्रैक्चर होता है कि उसके बाद उस दांत के ऊपर कुछ भी डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते सिवाय दांत निकालने की। तो आप पहले तो आप रूट कैनल करवाओगे उसका खर्चा जाएगा, फिर दांत निकलवाने का खर्चा जाएगा, दांत निकालने के बाद फिर से दांत बिठाने का खर्चा जाएगा। तो एक क्यों ऐसा करना, तो कैप इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम कैप नहीं करेंगे तो हमें खाना भी उस साइड से अच्छे से नहीं खा पाओगे। ज्यादातर रूट कैनल करने के बाद दो दांत के बीच में गैप भी रहता है क्योंकि उधर सीमेंट नहीं भर सकते, क्योंकि उधर दो दांत के बीच में मसूड़ा होता है, तो उस जगह पे कैप अगर बिठाएंगे तो वो दो दांत के बीच का कॉन्टेक्ट भी बंद हो जाता है। कैप आप कौन से भी बैठा सकते हैं, मेटल की आती है, सिरेमिक की आती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर कैप बिठाना जरूरी है। कैप कौन से टाइप्स की होती है, क्या क्या प्रोसीजर से बिठाते हैं, ये अगली वीडियो में हम देखेंगे। पर वीडियो अगर आपको कैप नहीं बिठाएंगे, मान के चलो फिर भी आप नहीं बिठाएंगे, तो ठीक है कुछ दिनों तक नहीं बिठाइए, कुछ महीनों तक नहीं बिठाए और उस टाइम तक उस जगह से मत खाइए, आप ये कर सकते हैं। पर जब कैप बिठाएंगे तभी आप कुछ भी आप हार्ड और खाना उस जगह से खाना फिर से चालू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सब जानकारी थी दोस्तों हमें कैप क्यों बिठाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैप के रिगार्डिंग आपको कोई भी और सवाल है मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।